और बड़ी खबर दिल्ली से, जहां भाजपा की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुकी है। आपको बता रहे हैं दिल्ली से बड़ी खबर, भाजपा मुख्यालय में प्रेस वार्ता चल रही है। दिल्ली से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, प्रेस वार्ता शुरू हो चुकी है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओम माथुर भी इस प्रेस वार्ता में मौजूद हैं। भूपेंद्र यादव संबोधित कर रहे हैं इस वक्त भाजपा मुख्यालय दिल्ली में। ये प्रेस वार्ता शुरू हो चुकी है, भूपेंद्र यादव यहाँ पर संबोधित कर रहे हैं। कई वरिष्ठ नेता, कई दिग्गज यहाँ पर मौजूद हैं। दिल्ली से खबर, जहाँ भाजपा मुख्यालय में प्रेस वार्ता शुरू हो चुकी है और इस वक्त भूपेंद्र यादव संबोधित कर रहे हैं, साथ ही राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओम माथुर भी इस प्रेस वार्ता में मौजूद है। भूपेंद्र यादव इस वक्त संबोधित कर रहे हैं, अपडेट बता रहे हैं आपको दिल्ली से, जहां भाजपा की प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां पर शुरू हो चुकी है। दिल्ली से बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे हैं, जहां भाजपा मुख्यालय में ये प्रेस वार्ता हो रही है और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओम माथुर भी इस प्रेस वार्ता में मौजूद है। और अभी की बात करें तो भूपेंद्र यादव इस प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे हैं। दिल्ली से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो शुरू हो चुकी है। कई दिग्गज इसमें मौजूद हैं। भाजपा मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है और इस वक्त भूपेंद्र यादव संबोधित कर रहे हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओम माथुर भी इस प्रेस वार्ता में मौजूद है और इस वक्त भूपेंद्र यादव संबोधित कर रहे हैं। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस अब शुरू हो चुकी है। कई दिग्गज इसमें मौजूद हैं। भाजपा मुख्यालय में प्रेस वार्ता चल रही है, भूपेंद्र यादव इस वक्त संबोधित कर रहे हैं, साथ ही राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओम माथुर भी इस प्रेस वार्ता में मौजूद हैं। बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, भाजपा की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में दिल्ली में ये प्रेस वार्ता हो रही है। कई दिग्गज इसमें मौजूद हैं। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओम माथुर भी इसमें मौजूद हैं। साथ ही अभी आपको बता दें कि भूपेंद्र यादव इस प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे हैं। कई दिग्गज भी उनके साथ मौजूद हैं। और इसी खबर पर और अधिक जानकारी देने के लिए A1 संवाददाता प्रीत किरण फोन लाइन पर जुड़े हैं हमारे साथ। जी प्रीत, बताएं, ये प्रेस वार्ता शुरू हो चुकी है। जी बिल्कुल, अभी से कुछ ही देर पहले लवीना प्रेस वार्ता शुरू हो चुकी है और माधव भूपेंद्र यादव जो है प्रेस को संबोधित कर रहे हैं। ये माना जाए कि जिस तरीके से बीजेपी मजबूत होकर आई है लोकसभा चुनाव में, संगठन में कुछ बदलाव किए जाएंगे, चाहे वो प्रदेश राजस्थान हो या पूरा देश पर, तो ऐसे में भूपेंद्र यादव का बिहार के साथ साथ राजस्थान से भी एक अच्छा लगाव रहा है। और साथ में ये मैं बता दूं कि ओम माथुर जो कि गुजरात की रणनीति बनाने में हमेशा से आगे रहे हैं, या राजस्थान की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, प्रभारी रह चुके हैं, ऐसे में बहुत सी चीजें नई निकल करके आ सकती हैं। हालांकि कयास जरूर लगाए जा रहे हैं कि संगठन में बदलाव होंगे, लेकिन ये प्रेस वार्ता के बाद ही पता चल पाएगा लवीना जी, क्या कुछ नए जो है अनाउंसमेंट किए जाएंगे ओम माथुर की ओर से, भूपेंद्र यादव की ओर से। जी प्रीत, ये बताएं कि और कौन से दिग्गज भारतीय जनता पार्टी के इस प्रेस वार्ता में मौजूद हैं? ठीक है, तमाम जो नेता है वो यहाँ पर, जो प्रवक्ता है वो यहाँ मौजूद है। ऐसे में ये कहा जा रहा है कि पार्टी इस संगठन में बदलाव को लेके कह सकती है, या जिस तरीके से मजबूत सरकार और नेतृत्व दिया है संसद में, जो सत्र शुरू होने से पहले पार्टी की क्या कुछ तैयारी है सत्र को लेकर, वो यहाँ बताया जा सकता है। इसके साथ ही किसको क्या क्या पद दिए गए हैं और अभी कौन कौन बनाए गए हैं, लोकसभा अध्यक्ष को लेकर क्या कुछ कहना है, राज्यसभा अध्यक्ष को लेकर क्या कुछ कहना, ये सारी जानकारी इस प्रेस वार्ता के माध्यम से दी जाएगी। और रिपोर्टर्स जो भी कुछ सवाल पूछते हैं, पार्टी को लेकर जो भी चिंताएं हैं, जो भी विषय होंगे, उनका उत्तर बीजेपी पूरा भरपूर तरीके से भूपेंद्र यादव ओम माथुर देंगे। जी प्रीति, बताएं कि भाजपा मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, तो क्या जानकारी मिल रही है, कब तक चलने वाली है प्रेस वार्ता? जी देखिए, अभी तो शुरू हुई है, अभी 10-15 मिनट और चलेगी। ऐसे में ये कहा जा रहा है कि संगठन में क्या कुछ होंगे और साथ ही नई जो चीजें हैं, बदलाव है, उनको लेके ये बता सकती है। फिलहाल जो है क्या कुछ नया कुछ बोलने वाले हैं वो देखने वाली बात होगी ओम माथुर भूपेंद्र यादव की। जी प्रीत, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार आपको फिर से दिल्ली से खबर बता दें, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुकी है, भूपेंद्र यादव इस वक्त संबोधित कर रहे हैं और इसमें देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ नई चीजें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सामने निकल कर आती हैं।